Today I am going to tell you about a COVID-19. How does it affect your body? COVID-19 आपके शरीर को कैसे प्रभावित कर रहा है? पढ़ना आपके लिए मददगार हो सकता है, इसको जरूर देखें। जैसा कि आजकल कोरोना वायरस बहुत अधिक फैला हुआ है, बहुत से लोग जानते हैं कि ये बीमारी फैली है, एक पैंडेमिक है, लेकिन वो लोग उसको सीरियसली नहीं लेते, ना उसके बारे में समझते हैं। What are the symptoms of coronavirus? Coronavirus में क्या क्या symptoms हैं? इसमें fever रहता है 37.8 degree और skin which feel hot to touch. आपकी skin गर्म दिखेगी, cough रहेगा, loss of change to your sense or smell. आपको smell नहीं आएगी, taste नहीं आएगा. Shortness of breath, सांस लेने में दिक्कत होगी, थकावन लगे रहेगी हर समय, हेडेक होता रहेगा और गले में खराश रहेगी और पेन बना रहेगा। अगर ये सब सिम्टम हैं तो आप तुरंत किसी से कंसल्ट करें। यू कैनॉट कोप विथ योर सिम्टम्स एट होम, योर कंडीशन गेट वर्स, यू स्टिल हैव अ फीवर आर फीलिंग जनरली अनवेल और हैव अदर सिम्टम आफ्टर अ वीक। अगर एक हफ्ते तक ऐसे ही बना हुआ है तो किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें और प्रॉपर उसकी ट्रीटमेंट करें, अदरवाइज कंडीशन बिगड़ सकती है। क्या प्रिकॉशन लें जब तक घर पे रहें? ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, अल्कोहल का यूज ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करें और डॉक्टर से पूछ के प्रॉपर मेडिसिन लें। कोरोना वायरस डिजीज 2019 इज अ पेंडेमिक कॉज बाय सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, ऑल्सो कॉल्ड सार्स कोविड 2। इसमें सांस लेने की प्रॉब्लम होती है। डिस्पाइट द वाइड स्प्रेड अवेयरनेस रिगार्डिंग कोविड-19, मैनी आर स्टिल अनअवेयर अबाउट हाउ इट्स अफेक्ट द ह्यूमन बॉडी। लेकिन किसी को ये ठीक से पता नहीं है कि ये ह्यूमन बॉडी को कैसे इफेक्ट करती है। SARS COVID-2 starts its journey in the nose, mouth, eyes and travel down to the alveoli in the lungs. आपके नाक, मुंह और आंख से वायरस जा करके ट्रेवल करके लंग्स के सबसे नीचे एलोवेली नाम के एक सेल होती है जिसमें जाकर वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जो एक टाइनी सैक है जहाँ पर द एयर व गैस एक्सचेंज होकर जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जाती है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन पहुंचती है। तो ये क्या करता है, ये हमने इसकी हेल्प ली है azurawesta.com, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। यहाँ से लेटेस्ट रिसर्च 5 मई का है जिसमें उन्होंने दिखाया है। ये लंग्स के आपको हमने पूरा स्ट्रक्चर दिखाया कि आपका यहाँ से वायरस जाता है ट्रैकिया से, फिर लेफ्ट स्टेम ब्रोंकाई में जाता है या राइट में जाएगा, फिर ब्रोंकाई में जाएगा, फिर ब्रोंकियोल्स में जाएगा, फिर लेफ्ट लोब्स के एलोवियोलिया में जाएगा। मेन चीज़ यहीं पे जा करके वो सारी प्रॉब्लम इस सेल को डिस्टर्ब करता है। अब कैसे करता है इसको स्टेप बाय स्टेप हम समझा देते हैं। ईच सैक ऑफ द एयर ऑफ एलोवियोलस is wrapped with a capillaries where red blood cells release carbon dioxide and pick up O2 to aloe vera cells facilitate gas exchange. यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रेड सेल्स छोड़ती है और O2 ले लेती है ऑक्सीजन। तो यहाँ पर दो तरह की सेल होती है, टाइप 1 सेल आर थिन इनफ दैट ऑक्सीजन पासेस राइट थ्रू और टाइप 2 सेल सीक्रेट सर्फेक्टेंट a substance that lines the alveoli and prevent it from collapsing. पहली सेल जो होती है वो बहुत ट्रांसपेरेंट होती है जिससे ऑक्सीजन जाती है, और दूसरी सेल जो होती है वो एक सर्फेक्टेंट नाम का सीक्रेट करती है सर्फेक्टेंट को, जो कि आपकी एलोवेला की जो सेल होती है उसको कोलैप्स होने से बचाती है, सरफेस टेंशन उसका बनाए रखती है जिससे कि वो सेल खराब ना हो। तो अब वायरस क्या करता है, जब वो देखिए यहाँ से जा रही है रेड ब्लड सेल्स, तो O2 ये यहाँ से लेती है एलोवेलस से और CO2 को देती है, तो ये कन्वर्ट करता रहता है
और दो टाइप की सेल होती है, टाइप एलोवेरा सेल और टाइप एलोवेरा टू सेल। और ये कैपिलरीज वॉल में रेड ब्लड सेल सर्कुलेट करती है और इस सेल को देती है, जो हमने वहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया था उसी का ये स्ट्रक्चर। तो नॉर्मल गैस एक्सचेंज जब आदमी हेल्दी होता है तो इस ढंग से होता है कि O2 आपको ब्लड सेल्स को मिलता रहता है और ब्लड सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड एलोविलस को देती रहती है। एलोविलस में दो सेल है, टाइप वन जो ये दिखाया गया और टाइप टू जो सर्फेक्टेंट क्रिएट करती है जिससे कि सेल आपकी कोलैप्स ना हो। अब क्या होता है, द स्पाइक प्रोटीन कवरिंग कोरोना वायरस बाइंड ACE2 रिपोर्टर्स रिसेप्टर्स प्राइमरली ऑन टाइप टू एलोवेलर सेल अलाइन द वायरस टू इंजेक्ट इट्स आरएनए। अब उसका जो आरएनए का हेलिक्स होता है वो आपकी सर्फेक्टेंट टाइप टू वाली एलोवेलर सेल्स में इंजेक्ट हो जाता है, जो उसके स्पाइक्स बने होते हैं वायरस के वो उसमें इंजेक्ट करता है और आरएनए हाईजैक कर देता है सेल को। जैसे हाईजैकर लोग आपका साइट हाईजैक करते हैं वैसे ही वो सेल को हाईजैक करता है। द सेल टेलिंग इट टू असेंबल मेनी मोर कॉपीज ऑफ द वायरस एंड रिलीज देम इनटू द एलोवेलस। द होस्ट सेल इज डिस्ट्रॉयड इन दिस प्रोसेस एंड न्यू कोरोना वायरस इन्फेक्ट नेबरिंग सेल। अब क्या करता है, जब उसको वो देखिए ये जा रहा है यहाँ पे न्यूक्लियर प्लाज्मिड आरएनए जो होता है ये हेलिक्स होता है, जो हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है जो और इसकी ये देखिए मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, ये जो प्रोटीन से बनी होती है एनवेलप प्रोटीन की बनी होती है और इसके जो स्पाइक्स होते हैं यही खतरनाक होते हैं, जो ये जो होते हैं एलोवेलस में इन्फेक्ट करते हैं और उसको हाईजैक करके उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। अब कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं ये आगे पढ़ेंगे। आफ्टर इन्फेक्शन टाइप टू सेल रिलीज इन्फ्लेमेटरी सिग्नल दैट रिजल्ट मैक्रोफेजस इम्यून सेल। अब जैसे इन्फेक्शन होता है आपको वो सेल जो होती है वो अपने सिस्टम को सिक्योरिटी सिस्टम को इन्फॉर्म करती है, तो वहाँ से मैक्रोफेजस नाम की एक इम्यून सेल रिलीज होती है कि बचा जा सके वायरस से। माइक्रोफेगस रिलीज द साइटोकाइंस विच कॉजेज वैसोलिडेशन विच अलाउ मोर इम्यून सेल्स टू कम टू वैसोडाइलेशन विच अलाउ मोर इम्यून सेल टू कम टू द साइट ऑफ इंजरी एंड एग्जिट द कैपिलरी। अब वो जो होती है वो साइटोकाइंस नाम का एक रिलीज करती है सोल्यूशन जो डायलेशन मतलब सेल को तोड़ने से उसको गलाने से बचाना चाहती है और जिससे कि इंजरी ना हो पाए। लेकिन अगर ये देखे यहाँ पे वैसो डायलेशन हो रहा है, यहाँ पे ये पतला होके किनारे से सेल टूट रही है तो उसमें वायरस के घुसने की और प्रॉब्लम करने की ज़्यादा कैपेसिटी पॉसिबिलिटी हो जाती है। देखिए माइक्रोफेगस जैसे ही आपका ये घुसता है अंदर वैसे ही माइक्रोफेगस सेल्स बनना शुरू हो जाती है और ये वैसो डायलेशन को कम करती है और साइटोकाइंस नाम का एक सोल्यूशन बनना शुरू होता है जो एलोवेलस को बचाना चाहता है, जिससे कि इन्फ्लेमेटरी सिग्नल ये रिलीज जो किया है उससे रिड्यूस हो जाती है सर्फेक्टेंट। अब क्या होगा, इसका जो सर्फेक्टेंट होता है वो रिड्यूस होने लगता है इन्फेक्टेड टाइप टू एलोवेरा सेल। और जैसे ही सर्फेक्टेंट कम होता है ये सेल जो होती है सेकेंड टाइप की ये डिस्ट्रॉय हो जाती है और ये डिस्ट्रॉय होती है तो ये वायरस का फ्लूइड जो होता है इसमें भरने लग जाता है और जिससे फ्लूइड भरने से क्या प्रॉब्लम होती है, जब ये सेल डिस्ट्रॉय जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसमिशन जो आपस में इंटरचेंज करते थे वो नहीं हो पाता और ब्लड को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो ये केस मॉडरेट केस होता है। लेकिन अगर फ्लूइड एक्युमुलेट इनसाइड द एलोवेलस, अगर पूरा एलोवेलस फ्लूइड से जो कोरोना वायरस ने क्रिएट किया था भर जाता है तो निमोनिया हो जाता है। अब निमोनिया होने से आदमी बहुत क्रिटिकल कंडीशन में जाता है, उसकी ब्रीदनेस जो होती है वो कम हो जाती है।
The fluid dilates the surfactant, which triggers the onset of alveolar collapse, decreasing gas exchange and increasing the work of breathing. अब जब ऑक्सीजन जाना बंद हो जाती है तो लोगों में ब्रीदिंग करने की प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है, जिससे अब क्या होता है, धीरे धीरे आदमी सीवियर कंडीशन में पहुंच जाता है। सीवियर कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे पूरा देखिए फ्लूइड, प्रोटीन रिच फ्लूइड जो भर जाता है, जब फ्लूइड भरता है तो न्यूट्रोफिल क्रिएट होता है और स्कार्स टिश्यू क्रिएट हो जाते हैं कोरोना वायरस की, और लॉस ऑफ सर्फेक्टेंट होता है, फ्लूइड फिल कर लेता पूरा, और प्रोटीन एंड सेलुलर डेबरीज बनने लगती है, छोटे छोटे ये देखिए क्लॉट्स टाइप का बन रहा है, स्कार्स और डेबरीज, और गैस का एक्सचेंज बिल्कुल धीरे धीरे बंद होने, देखिए ये वाला एरिया जो है वो बड़ा होता जा रहा है और सेल छोटी होती जा रही है, तो जो ट्रांसमिशन होता था ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वो नहीं हो पाता और आदमी सीवियर कंडीशन में पहुंच जाता। अब सीवियर कंडीशन में आदमी को तो हॉस्पिटल जाना पड़ता है, बहुत डेंजरस सेकेंडरी स्टेज इन्फेक्शन में अकस न्यूट्रोफिल्स आर रिक्रूटेड टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन एंड रिलीज अ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज सो डिस्ट्रॉय द इन्फेक्टेड सेल। अब वो जो हमने बताया ना न्यूट्रोफिल को जो होता है वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को रिलीज करता है जो सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। टाइप 1 एंड 2 सेल्स आर डिस्ट्रॉयड लीडिंग टू द कोलैप्स टू द एल्वियोल्स एंड कॉजिंग अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। अब इससे क्या होगा, जब आपके पास ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो आप सांस नहीं ले पाइएगा और जिससे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम क्रिएट होता है, तो आपको आईसीयू में डाल दिया जाएगा। इफ इन्फ्लेमेशन बिकम सीवियर द प्रोटीन रिच फ्लूइड एंटर द ब्लड स्ट्रीम। अब धीरे धीरे क्या होगा, एल्वियोल्स ही तक नहीं रहेगा, वो सीधे ब्लड स्ट्रीम में भी चला जाएगा एंड ट्रेवल एल्सवेयर इन द बॉडी कॉजिंग सिस्टमेटिक इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। अब आपके सांस कंडीशन को क्रिएट करेगा। SRC may leads to septic shock and multi-organ failure, which can have fatal consequences. धीरे धीरे पूरे शरीर को वो septic हो जाएगा और शरीर काम करने लायक नहीं रह जाएगा। Impaired gas exchange, इससे क्या होगा, गैस का एक्सचेंज impaired हो जाएगा। When the immune system attack the area of infection, it also kill healthy alveolar cells. And this result in three things that hinder gas exchange. अब इससे क्या होगा, जब सेल डिस्ट्रॉय होगी धीरे धीरे बगल की सेल भी डिस्ट्रॉय होने लगी आसपास की, तो अलवरा कोलैप्स